सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र धन्य नाम में आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। और आइए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के सम्मुख रखते हुए हम आज की आराधना में आगे बढ़ें। और मेरे साथ में मेहरबानी से निकालिए भजन संहिता 57, साम 57। और इसके 7 पद से और 10 पद तक आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं। और जो 11वां पद है वो हम एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाशमंडल तक पहुंचती है। 11वां पद, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आइए प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी पिता, धन्यवादिता के साथ आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाते हैं। धन्यवादी हैं कि आपने बीते सप्ताह प्रतिदिन प्रतिपल हम सबके जीवन की सुधि रखी, अगुवाई की, और आज के इस धन्य दिन जो कि आपकी आराधना का दिन है, इस तक हम सबके जीवन को पहुँचाया कि आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को अनुभव करें, देखने पाए कि कितना ही अथाह प्रेम आपने हम सब के जीवन के साथ निरंतर बनाए रखा है। हाँ पिता, आप करुणामयी परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि जबकि आपने हम सबको यह अवसर दिया कि आपके पवित्र नाम में आपके भवन में एकत्रित हों, मसीह की नम्रता में हमें उस रीति से तैयार करना पिता कि हम जीवन की हर परिस्थिति में आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना सीख सकें। साथ ही पिता, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकें पिता। प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह में, आपने अपनी अगुवाई में हम सबको अपने भवन तक पहुंचाया है। आपके उन विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय मार्ग में हैं और आज की आराधना में भाग लेना चाहते हैं। अपने अनुग्रह में पिता उनकी भी सुधि रखना, अगुवाई करना, ताकि हम सब मिलकर उन उत्तम आशीषों को ग्रहण कर सकें जिन्हें आज की इस आराधना के द्वारा आप हम सब के जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं पिता आपके उन विश्वासी जनों के लिए जो किसी कारणवश आज की आराधना में भाग नहीं ले पाते, अपने अनुग्रह में उनके जीवन की विशुद्धि रखना, अगुवाई करना पिता, और उनकी परिस्थितियों से उन्हें उबारना, ताकि आने वाले समय में आपका प्रत्येक विश्वासी आपके भवन में आपकी आराधना के लिए एकत्रित हो, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को अनुभव करें और देखने पाए कि परमेश्वर कितना ही दयालु और प्रेम से, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर। प्रार्थना है पिता अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज की आराधना में हमें आगे बढ़ाएं। सब बातों में आपको आदर देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय परमेश्वर की आराधना में बने रहते हुए गीत की किताब से 620 नंबर 620 गीत गाएंगे। गीत की किताब में 620 नंबर, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हों। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी, हम हैं पापी और अज्ञानी।
हम सब अपने स्थान पर खड़े रहें और अपने ईमान का हम इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा हम एक साथ दोहराएंगे। गीत की किताब में पहले ही पेज पर पाया जाता है, बाइबल धर्मशास्त्र का यह सारांश और मसीह विश्वास का ये आधार, और हम में से प्रत्येक को ताउम्र अपने विश्वास को इन सभी बातों पर बनाए रखना है। आइए एक साथ इकरार करें। मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक पाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदो मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकदसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे से बैठिएगा। परमेश्वर के अनुग्रह में इस धन्य अवसर को पाते हैं जबकि अपनी विनती और प्रार्थनाओं को हम एक मन एक विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखने पाए। आइए प्रार्थना करें। सर्वसामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, धन्यवादिता में अपने सिरों को आपके सम्मुख झुकाए हैं पिता, इस बात को जानते हुए कि हमारे जीवन पर संपूर्ण अधिकार आप ही का है, और आपने अपने अनुग्रह में आज की इस आराधना के दिन को एक आशीष की रीति से हमारे जीवन की ओर बढ़ाया कि हमें एक बार फिर से आपकी इच्छा में अपने जीवन को बढ़ता हुआ देखने पाएं, प्रोत्साहित हो सकें, जान सकें कि परमेश्वर कितना ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो निरंतर हमारे जीवन के लिए ऐसे अवसर देता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जिएं, उस प्रतिफल के सहभागी हों जिसे परमेश्वर ने अपनी धन्य इच्छा में अपने विश्वासी के लिए ठहराया है। हाँ पिता, हम जानते हैं कि बीते जीवन में अनेक बार हमारे जीवन के सम्मुख ऐसी परिस्थितियां रही होंगी
जब हमने अपनी मसीह गवाही को नकारा होगा। कितनी ही बार पिता हमारे मन में ऐसे विचार आए होंगे जो आपके वचन के आधार पर प्रोत्साहित नहीं किए जाते। कितनी ही बार हमने ऐसे कार्यों की ओर अपने हाथों को बढ़ाया होगा जो आपकी दृष्टि में पिता घृणित हैं। कितनी ही बार हमारे पैर उन मार्गों की ओर बढ़े होंगे पिता परमेश्वर, जिन मार्गों को आपने अपने अनुग्रह में उत्तम नहीं ठहराया। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि आपने अपनी धन्य इच्छा में, अपनी दया में, अपनी करुणा में हमें अवसर दिया कि हम एक बार फिर आपकी इच्छा में अपने आप को एक होता हुआ देखने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता कि आप जो दयालु परमेश्वर हैं, अपने अनुग्रह में आपने हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा किया है। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमें ऐसी सूझबूझ देना कि हम निरंतर अपने आप को टूटे और पिसे हुए हृदय के साथ, उस मन के साथ में आपके सम्मुख प्रस्तुत करें, ताकि आप जिस रीति से हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए तैयार करना चाहते हैं, आपकी धन्य इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। क्षमा चाहते हैं पिता अपने उन कार्यों के लिए, उन बोलियों के लिए, उन विचारों के लिए जिन्हें आपने अपने अनुग्रह में आशीषित नहीं ठहराया। और प्रार्थना करते हैं पिता कि हम ऐसी सूझबूझ दें कि हम आपकी धन्य इच्छा को अपने जीवन में जानने की, उसे पाने की, उसे पूरा करने की लालसा रखने वाले हों। प्रार्थना करते हैं पिता आपकी बेथेल मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए। धन्यवाद हृदय के साथ पिता प्रार्थना करते हैं कि जबकि आपने अपनी इस कलीसिया की निरंतर अगुवाई की है, सुधी रखी है, अपने दर्शन से परिपूर्ण रखा है, अपने सेवा कार्यों में अपनी इस कलीसिया को निरंतर आगे बढ़ा है पिता, प्रार्थना है अपने अनुग्रह में अपनी महिमा के लिए इस कलीसिया को निरंतर तैयार रखना, ताकि आपकी ये कलीसिया उन 5 कुंवारियों के समान ठहरे जो अपने दूल्हे के इंतजार में जागती हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दया करें, अनुग्रह करें और अपने दर्शन से परिपूर्ण करें, अपनी आत्मा को बहुतायत से उंडेलें पिता परमेश्वर, ताकि प्रत्येक जन अपने जीवन को उन तोड़ों के साथ में अनुभव करने वाला हो जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन को इस योग्य ठहराते हैं कि हम एक दूसरे के जीवन के प्रति प्रोत्साहन का कारण बने, साथ ही एक दूसरे की उन्नति के जीवन के प्रति उत्तम विचार रखने वाले हों। प्रार्थना करते हैं पिता दुष्ट की हर एक ऐसी योजना से, हर एक ऐसी युक्ति से, हर एक ऐसे विचार से पिता अपनी इस मंडली को बचा के रखना जो किसी भी रीति से आपकी मंडली को आपकी पहचान में, आपकी गवाही में पीछे करना चाहती है, किसी भी रीति से दूषित करना चाहती है पिता, उस कलंक को इस कलीसिया से दूर रखना और सदैव इस कलीसिया को इस रीति से अपने दृष्टि में रखना पिता परमेश्वर, जो आपको भावती दुल्हन की नाई है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के सभी परिवारों के लिए, हर एक परिवार में अपनी शांति, अपने आनंद को स्थापित करना, प्रत्येक परिवार जिन लोगों के बीच में, जिन जगहों पर है पिता, आपके पवित्र नाम की गवाही का कारण ठहरने पाए। साथ ही पिता प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, जबकि आपने उनके जीवन को संभाला है, अगुवाई दी है, अभी तक पिता परमेश्वर उनके जीवन की परिस्थितियों में आप साथ रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में उनके जीवन के आने वाले समय में भी आप सुधी रखना, अगुवाई करना पिता, ताकि पिता बुजुर्ग देखने पाए कि जिस परमेश्वर पर उन्होंने सारी उम्र भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, जो परमेश्वर विश्वास योग्य है, उनके जीवन की परिस्थिति और आवश्यकता में उनके साथ खड़ा रहा। प्रार्थना है पिता वो अनुभव करने पाए कि वही परमेश्वर उसी विश्वास योग्यता के साथ जीवन की इस परिस्थिति में भी उनकी सुधि रखता है, अगुवाई करता है, उनकी कमजोरियों से उनके जीवन को उभारता है, अपनी सामर्थ से उनके जीवन को परिपूर्ण करता है, साथ ही उनके अकेलेपन में अपनी उपस्थिति का अनुभव देता है। प्रार्थना करते हैं पिता कलीसिया के जवानों के लिए, अपने दर्शन से जवानों को परिपूर्ण रखना, ताकि आपकी इच्छा में जवान अपने जीवन को आगे बढ़ता हो देखने पाए, देखने पाए पिता कि किस रीति से परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य प्रत्येक जवान के प्रति रखा है, और वो उद्देश्य ना सिर्फ इन जवानों के जीवन को आशीषित करता है लेकिन परमेश्वर को भी भाता है, परमेश्वर की भी महिमा के योग्य है। प्रार्थना करते हैं पिता इन जवानों को जवानी की लालसाओं से और संसार की व्यर्थता की बातों से बचाना, ताकि जवान अपने आप को किसी भी रीति से दुष्ट की युक्ति में फंसता हुआ, उलझता हुआ न देखें, बल्कि देखने पाएं कि उनका जीवन मसीह की स्वतंत्रता में एक है और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहुत से जवान अपने जीवन के लिए मार्गों की तलाश कर रहे हैं, नौकरियों की तलाश है पिता, साथ ही उत्तम योजनाएं अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। बहुत से जवान है पिता जो अपने जीवन के लिए योग्य साथी की तलाश में हैं। प्रार्थना है पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में आपने जो धन्य भाग उनके लिए ठहराया है, जो धन्य योजना और जो धन्य जीवन साथी उनके लिए ठहराया है पिता, उसे उनके जीवन में दें, ताकि वो उस जन को, उस अवसर को, उस योजना को अपने जीवन पाते हुए अनुभव कर सकें
कि परमेश्वर ने उनके जीवन के किस रीति से सुधी रखी है और अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को उनके जीवन की ओर बढ़ाया है। प्रार्थना करते हैं पिता इस रीति से कलीसिया के बच्चों के लिए, अपने अनुग्रह इन बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण करना, बल और बुद्धि से परिपूर्ण करना पिता, ताकि बच्चे अपने सृजनहार परमेश्वर को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी आशीषों को अनुभव करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और देखने पाएँ कि परमेश्वर कितना ही दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं पिता चर्च की पास्टरेट कमेटी के लिए, तमाम मेम्बरान के लिए, कॉन्फ्रेंस के तमाम मेम्बरान के लिए। पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में हर एक के जीवन को आपने जबकि ये धन्य अवसर दिया कि कलीसिया के कार्यों में अपने योगदानों को, अपने तोड़ों को बढ़ाएं। पिता प्रार्थना है कि मसीह की नम्रता और दीनता में आप प्रत्येक के जीवन को एक रखना, ताकि पिता सिर्फ और सिर्फ आपका नाम इस कलीसिया में अपनी प्रभुता रखें, वो नाम जो सारी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया है पिता, प्रभु यीशु का नाम, और उसकी पहचान में तमाम मेम्बरान अपने जीवन को अनुभव करने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी रीति से हमारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संडे स्कूल, WSCS, MYF, प्रार्थना है पिता परमेश्वर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन्स को, उनके तमाम ऑफिस बेयर्स को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, तमाम कमेटीज़ के चेयरपर्सन्स और उनके मेम्बरान को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन की पिता आप सुधी रखना, अगुवाई करना, और जो सेवा महिमा अपनी महिमा के लिए आप प्रत्येक के जीवन से लेना चाहते हैं उसके लिए उनके जीवन को तैयार करना। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में जबकि हमारे चर्च का एक विशेष प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फैमिली कैंप, पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में इस प्रोग्राम को प्रत्येक जन के जीवन के लिए आशीष का कारण बनाना। जो लोग वहाँ पर जाते हैं पिता, आपकी उपस्थिति को, आपके अनुग्रह को, आपके प्रेम को, आपकी योजना को और आपकी अगुवाई को अनुभव करने वाले हो सकें। साथ ही पिता जो रह जाते हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो जन वहाँ पर जाते हैं और भलाई की बातों को सीखते हैं, आपके अनुग्रह के से अपने जीवन को परिपूर्ण होता हुआ देखते हैं, उन भलाइयों से, उस अनुग्रह से बाकी जनों को के जीवन को भी पिता वो आशीषित कर सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहुतायत से इस फैमिली कैंप को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, आने जाने में आप अगुवाई करना पिता, तमाम जिम्मेवार लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप दें, मसीह की नम्रता और दीनता में प्रत्येक के जीवन को बनाए रखना पिता, कोई भी अनुचित बात इस अवसर पर घटने ना पाए, दुष्ट किसी भी युक्ति रीति से इस अवसर को अपनी किसी योजना में इस्तेमाल ना करने पाए। प्रार्थना है पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में अपनी इस कलीसिया को समस्त रीति से आशीषित करें। प्रार्थना है पिता परमेश्वर हमारे MCI चर्च के लिए पिता, प्रार्थना करते हैं तमाम बिशप साहिबान के लिए, मैम साहिबान के लिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए, डीकन्स के लिए, डीकनसेस के लिए। प्रार्थना करते हैं तमाम दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनके तमाम मेम्बरान के लिए पिता परमेश्वर, ऑफिस बेयरर्स के लिए, चेयरपर्सन्स के लिए पिता, सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखना। आज जबकि आपने अपनी धन्य इच्छा में उनके जीवन को एक विशेष कार्य के लिए चुना है, आपकी योजना में उनके जीवन को चुना गया है, मसीह की नम्रता में, दीनता में बने रहते हुए, परमेश्वर के भय में बने रहते हुए, आपकी बुद्धि से परिपूर्ण रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर सकें और देखने पाएँ कि उनका जीवन किस रीति से परमेश्वर एक आशीष के रूप में बहुतों के लिए इस्तेमाल करता है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय हमारे देश के लिए, प्रार्थना है पिता परमेश्वर जो परिस्थितियां वर्तमान में हमारे देश के सम्मुख हैं, अपने अनुग्रह को पिता परमेश्वर हमारे इस देश के ऊपर बहुत ऐसे उठे लें, ताकि पिता जो चुनौतियां हैं हमारे देश के सम्मुख, उन चुनौतियों का हमारे देश की सरकार, तमाम पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज, पिता परमेश्वर जो नीतियों का निर्धारण करती हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनके निवारण के लिए उन योजनाओं को बना सकें जिससे इस देश का प्रत्येक वर्ग और समुदाय शांति में और उन्नति में अपने जीवन को आगे बढ़ता हुआ देख सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय विशेष रूप से जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल, गाजा, फिलिस्तीन और भी उस क्षेत्र में जिस भी रीति से अहिंसा जारी है पिता परमेश्वर, हिंसा जारी है पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह में उस तमाम परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लें, लोग जो उस परिस्थिति में अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, सकारात्मक अपना योगदान दे सकते हैं,
कि शांति को स्थापित किया जा सके, उनके जीवन को पिता अपने अनुग्रह में लें, अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से उनके जीवन को परिपूर्ण करें, ताकि उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था लागू हो सके और सामान्य जीवन की ओर लोग अपने जीवन को लौटता हुआ देख सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में, जबकि आप अपनी धन इच्छा में मसीह वंदना को हमारे बीच में लेकर आए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मसीह वंदना की उपस्थिति आज की आराधना में कलीसिया के लिए बहुतायत से आपके अनुग्रह में आशीष का कारण ठहरे। प्रार्थना करते हैं पिता तमाम ऑफिस बेयर्स के लिए सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखना, तमाम ऑफिस स्टाफ के लिए, तमाम फील्ड स्टाफ के लिए पिता परमेश्वर सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखना, ताकि मसीह वंदना के द्वारा आप जिस सेवा और महिमा को आप लेना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को सदैव तत्पर तैयार देखने पाए, सब बातों में पिता आपको आदर मिलने पाए। जिस रीति से आज मसीह वंदना के द्वारा वचन का प्रोत्साहन हमारे जीवन की ओर बढ़ाया जाता है, हम उस प्रोत्साहन को, उस अगुवाई को अपने जीवन में पाएं, आपके दर्शन से परिपूर्ण अपने जीवन को अनुभव होता हुआ देखें, आपकी धन्य इच्छा से अपने जीवन को अवगत होता हुआ देखें और आपके वचन की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पिता सब बातों में आपको आदर देते हैं, आज की आराधना का प्रत्येक भाग आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आपकी महिमा आपके आदर के योग्य। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, जिसने हमें सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो। अय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी हो, मैं दिन भर की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम दूसरों कसरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। प्रार्थना में बने रहेंगे और इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनके इस हफ्ते बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज हैं और जिनके नाम पुकारे जाते हैं। यदि वे चर्च में उपस्थित हैं तो मेहरबानी से अपने स्थान पर वे खड़े हों। इस हफ्ते सबके बर्थडेज हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं: आशीष मसीह 29 अक्टूबर, रितेश राज विलियम 29 अक्टूबर, केविन आर नायडू 29 अक्टूबर, मेषा दयाल 30 अक्टूबर, नीलम तिमोथी 31 अक्टूबर, सामर्थ डैनियल 31 अक्टूबर, अर्नव सिलास 31 अक्टूबर, बबली मसीह 2 नवंबर, नीतू सिंह 3 नवंबर, कैमरन रशल सिंह 4 नवंबर। जिनके नाम पुकारे गए यदि वे चर्च में उपस्थित हैं तो मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हों। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता धन्यवादिता में आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवादी हैं आपके इन विश्वासी जनों के जीवन के लिए जिनके जीवन के साथ आपने अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को, अपनी विश्वास योग्यता और अपनी धार्मिकता को निरंतर बनाए रखा, कि बीते जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियों में इनके जीवन रहे होंगे जबकि इन्होंने अपने जीवन को कठिनाइयों में, जटिलताओं में, निराशाओं में पाया होगा, लेकिन आप विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर हैं जो अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता प्रत्येक के जीवन की अभी तक आपने सुधि रखी है, अगुवाई की है, आने वाले समय में भी और बढ़कर आपकी उपस्थिति को, आपके अनुग्रह को, आपकी आशीषों को आपके विश्वासी जन अनुभव करने पाएं और देखने पाएं कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। प्रार्थना है पिता हर एक के जीवन की सुधि रखना और हर एक के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने भले भंडारों से करना। साथ ही पिता प्रार्थना है प्रत्येक के जीवन को एक जीवित गवाही के रूप में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। मसीह के लहू में हर एक के जीवन को ढांपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपनी धार्मिकता के जीवन में प्रत्येक के जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई देना, ताकि आपकी इच्छा में बने रहें और इस रीति से अपने जीवन को जिए कि प्रत्येक का जीवन एक आदर्श का कारण ठहरे, आपकी महिमा का कारण ठहरे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जिनके जिन्होंने अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने जीवन के सम्मुख रखा है और विशेष रूप से एक नया विश्वासी परिवार है उसके विषय में हम लोग अपने आप को अवश्य प्रार्थना में रखें। वो कठिनाई में भी है वो परिवार, हमारे बीच में वो फैमिली आती हैं हर संडे। उन्होंने एक छोटी सी जमीन खरीदी थी गौर सिटी
चार मूर्ति के पास में। और एक शाम वो वापस जब अपने घर की ओर जा रहे थे बहलौलपुर, परसों की बात है ये, तो बैटरी रिक्शा में वो बैठे हुए थे तो एक कैब ने उनको हिट कर दिया और जिसकी वजह से दोनों जन मिसिस सुधा और मिसिस सुधा देवी और मिस्टर सुरेंद्र वो जख्मी है। दोनों नए विश्वासी लोग हैं, बिहार से उनका ताल्लुक़ है, यहाँ पर आए और जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से वो हमारी कलीसिया के साथ सहभागी हैं। पिछले 4-5 महीने से तो मैंने उन्हें रेगुलर देखा है, तो उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर बनाए रखें। आइए हम उन विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करें जिनके जीवन की परिस्थितियों में हम सब की प्रार्थना इस समय बहुत आवश्यक है। अनुग्रहकारी पिता, प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से आपके सम्मुख आपके वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हुए कि आप यहोवा राफा हैं, चंगाई देने वाले परमेश्वर। पिता इस समय प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से मिसेज रेखा मैसी के लिए, प्रार्थना करते हैं मिसेज अंचला ग्रेव के लिए, प्रार्थना करते हैं मिसेज साइमन के लिए, प्रार्थना करते हैं मिसेज पुष्पकला के लिए, सुजैना के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं मिसेज सैमविल के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता मिस्टर अरुण सैमविल के लिए, प्रार्थना करते हैं मिस्टर अजय वर्मा के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता मिस्टर एम पी सिंह के लिए, प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुरेंद्र चरण के लिए और प्रार्थना करते हैं पिता मिसेज सुधा देवी के लिए और उनके दामाद सुरेंद्र के लिए। पिता परमेश्वर हमारी निगाहें आप ही की ओर लगी हैं क्योंकि हमारी सहायता पिता आप ही की ओर से है। पिता अपने अनुग्रह में अपने विश्वासी जनों की सुधि रखें, अगुवाई करें और प्रत्येक के जीवन को पिता उस रीति से आशीषित करें जो विश्वास इन्होंने आपके अनुग्रह आपकी दया के प्रति बढ़ाया, कि जिस रीति से पिता वो लंगड़ा चिल्ला कर कहता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हाँ पिता आपकी दया चाहते हैं, आपकी करुणा चाहते हैं आपके विश्वासी जनों के लिए। आप वो चंगाई देने की सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर हैं जिस चंगाई को इंसान इस संसार में किसी भी रीति से कहीं और से नहीं पा सकता। उस 12 वर्ष से जिस स्त्री को वो लहू बहने का रोग था उसका जीवन इस बात की गवाही देता है कि इस संसार में जो सबसे बड़ी सामर्थ्य है, जो सबसे बड़ी ताकत है, जो इस सारी सृष्टि पर अपना अधिकार रखता है वो आप हैं पिता। प्रार्थना है दया करें, अनुग्रह करें कि आने वाले दिनों में आज जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं इनके जीवन की गवाही को आपकी कलीसिया के बीच में सुनने वाले ठहरे, आपका वचन जीवित रूप में सामर्थ्य रूप में पिता प्रत्येक के जीवन में वास करें और प्रत्येक जन आपके चंगाई भरे हाथ को अपनी ओर बढ़ता हुआ अनुभव करें, देखने पाए कि मैंने मसीह के वस्त्र के सिरे को थाम लिया है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा न छोड़ूंगी। ये विश्वास से थामा गया बढ़ाया गया हाथ है, परमेश्वर अपने अनुग्रह में इस विश्वास के द्वारा मेरे जीवन को चंगाई देता है जो मैं अपेक्षा करता हूँ या करती हूँ। आपने स्वयं कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रार्थना है पिता प्रत्येक के जीवन को इस विश्वास से परिपूर्ण करें और अपने अनुग्रह अपनी उपस्थिति का अपनी चंगाई का अनुग्रह अनुभव कराएं पिता, उस आशीष से परिपूर्ण करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय है कलीसियाई सूचनाओं के लिए। जैसा आप सभी को पता है प्रत्येक रविवार हम सब परमेश्वर के भवन में एकत्रित होते हैं और आराधना का जो समय है वह सुबह 9 बजे है, तो मेहरबानी से हम सब आराधना के समय को ध्यान रखें कि जो भी सीमित समय में मिलता है उसे हम अधिक से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना में उसके भवन में जी सकें। लास्ट संडे जो धन्यवाद की भेंट हम परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने पाए वो थी 14,715 रुपये। परमेश्वर बहुतायत से प्रत्येक के जीवन को अपने अनुग्रह में आशीषित करें और बहुतायत से अपनी सेवा अपनी महिमा में निरंतर बढ़ाता रहे। ये अनाउंसमेंट है नेक्स्ट संडे से रिलेटेड। जैसा आप सभी को मालूम है कि नेक्स्ट संडे जो है वो अगले महीने का पहला संडे होगा। चूंकि फैमिली कैंप है तो इसलिए जो होली कम्युनियन है यानी जो पहले संडे को जो होली कम्युनियन होता है ट्रेडिशनली वो पहले संडे को ना होकर सेकंड संडे यानी कि 12 नवंबर को वो होगा। तो मेहरबानी से अपने आप को 12 नवंबर में तैयारी के साथ में रखें। नेक्स्ट संडे जो है हम लोग
फैमिली कैंप में रहेंगे, तो इसलिए इस वजह से ये होली कम्युनियन जो है वो नेक्स्ट संडे नहीं हो पाएगा, लेकिन आराधना होगी चर्च में और बाकायदा सुचारू रूप से आराधना समय पर और परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के अनुग्रह में होगी। तो मेहरबानी से ध्यान रखें, आराधना का समय सुबह 9 बजे है। ये अनाउंसमेंट है मिशन एंड इवेंजलिज्म कमेटी की ओर से। जैसा आप सबको पता है, प्रत्येक मंगलवार हम सब परमेश्वर के भवन में एकत्रित होते हैं परमेश्वर की आराधना में। तो मेहरबानी से अपने विश्वासी जीवन को प्रार्थना के साथ में आगे बढ़ाएं और इस धन्य अवसर का अपने विश्वासी जीवन में उपयोग करें। मंगलवार शाम 7:30 बजे और इसके लिंक को चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। ये अनाउंसमेंट है हमारे संडे स्कूल की ओर से। आज चर्च सर्विस के बाद में संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं सुंदर नर्सरी। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो हमारे संडे स्कूल के जो सुपरिंटेंडेंट हैं और जो टीचर्स हैं उनके ज़रिए उन पेरेंट्स तक अवश्य पहुंचाई जाएगी। तो मेहरबानी से जो बच्चे संडे पिकनिक में जाना चाह रहे हैं वे चर्च सर्विस के बाद में रुक जाएं अपने पेरेंट्स के साथ में, ताकि इंस्ट्रक्शंस को आगे फॉरवर्ड किया जा सके। साथ ही ये अनाउंसमेंट है हमारे आने वाले दिनों में फैमिली कैंप से रिलेटेड। जैसा आप सभी को पता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप को तैयार किया गया है और टाइमली सारी इन्फॉर्मेशंस को उस ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। तो मेहरबानी से अपने आप को अपडेटेड रखें ताकि किसी भी रीति से कोई भी असुविधा किसी को ना अनुभव करनी पड़े। और इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेहरबानी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई जोसेफ आर्ची को कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई प्रशांत को कर सकते हैं, मिस्टर एस के जेकब को कर सकते हैं कांटेक्ट, मिस्टर रॉबिन मैसी को कर सकते हैं। तो मेहरबानी से आप सबसे निवेदन है कि आप अपने आप को किसी भी तरह की असुविधा में ना पड़ने दें, बल्कि आप जो भी जानकारी है उसे कंसर्न्ड पर्सन से ज़रूर शेयर करें। साथ ही ये अनाउंसमेंट है कि जबकि 2 तारीख को फैमिली कैंप जाएगा, तो आपसे निवेदन है कि जो लोग फैमिली कैंप में जा रहे हैं वो टाइमली 2 तारीख रात 10 बजे तक चर्च में अवश्य पहुंच जाएं, ताकि समय पर रवानगी हो सके और समय पर हम लोग रुखसत हो सकें। जो लोग अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं वो अपने तरीके से अपना इंतज़ाम खुद देख सकते हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग उनको सूट कर रहा है ना। लेकिन कोशिश करें कि हम जितने भी सेशंस वहाँ पर बनाए गए हैं उनमें प्रत्येक में हम उपस्थित हों और उनका अपने विश्वासी जीवन में लाभ उठाएं। परमेश्वर के अनुग्रह में ये धन्यवादिता का अवसर है कि आज हमारे बीच में मसीह वंदना परमेश्वर के वचन की सेवा को और अपनी मिनिस्ट्री को बांटने के लिए हमारे बीच में है। हम स्वागत करते हैं ब्रदर अब्राहम जस्टिस का और भाई सोनू का, आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन की सेवा में आज वो अगुवाई देने के लिए उपस्थित हैं मसीह वंदना के रूप में। हम आपको अपनी कलीसिया में स्वागत करते हैं। साथ ही धन्यवादिता का ये अवसर है कि एक बैप्टिज्म है आज एक बच्चे का, तो मैं निवेदन करूंगा अमरीसा जॉर्ज के माता पिता मिस्टर विनीत जॉर्ज एंड मिसेस अंजलि सिंह मेहरबानी से आगे आ जाएं। भाई अजीज़ों, चूँकि कुल इंसान हमेशा की ज़िंदगी और उस फजल की जो रूल कुदूस के ज़रिए मिलता है वारिस हैं, इसलिए हमारा मुंजी खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत ऐसों ही की है। इसलिए मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ कि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से
खुदा बाप से दुआ मांगो कि वह इस बच्चे यानी अमरीसा को ऐसी नियामत बख्शे कि वह पानी से बपतिस्मा पा के पाक रूह का भी बपतिस्मा पाए और मसीह की पाक कलीसिया में शामिल होकर सच्ची और ईमानदार शरीक बनी रहे। आइए दुआ करें। अय बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपनी बेहद रहमत से अमरीसा पर नज़र कर और इसे धो कि ये ईमान में कायम, उम्मीद में खुश और मोहब्बत में कामिल होकर आखिर को हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अजीज़ो, तुम जब इस बच्चे यानी अमरीसा को यहाँ लाए हो ताकि वो मसीह बपतिस्मा पाए और यूँ खुदा और उसकी कलीसिया के लिए मखसूस की जाए, इसलिए तुम्हारा काम और फ़र्ज़ ये है कि जिस वक्त ये बच्चे सीखने के लायक हो, तुम इसे इस पाक रस्म का असली मतलब और नतीजा सिखाओ और इन बातों को बखूबी समझने के लिए तुम इसको ताकीद करो कि ये ईमान और मसीह ज़िंदगी के उसूलों से वाकिफ़ हो, और तुम इसको यह भी ताकीद करो कि वो खुदा की आम और ख़ास दुआओं में अदब और ताज़ीम यानी बड़ी संजीदगी से शरीक हो, ताकि हर तौर से मसीह ज़िंदगी और नमूने से तुम इसको खुदा की मोहब्बत और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की तरफ रगबत दिलाओ। ये सवाल है, क्या तुम संजीदगी से वायदा करते हो कि खुदा की मदद से इन सब बातों को जिन्हें अभी आप लोगों के बीच में बांटा गया, शेयर की गई, बजा लाने में पूरी कोशिश करोगे? ये बातें जो मैं आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ, ये मुकद्दस मरकुस से ली गई हैं। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उन्हें छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाहत को बच्चे की तरह कबूल न करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल न होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। आइए दुआ मांगे। अनुग्रहकारी पिता, सब बातों में आपको धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं पिता इस बेटी अमरीसा के जीवन के लिए, जिसे आपने अपने अनुग्रह में एक आशीष की रीति से अपने इस विश्वासी परिवार में दिया। माँ बाप ने जबकि इस बात को बेहतर जाना कि वो जीवन के इसी पड़ाव से अमरीसा को आपकी वाचा में बांधें और देखने पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन की अगुवाई करने वाला है और हमारे जीवन का रहबर है, प्रार्थना करते हैं पिता अपने अनुग्रह में विनीत को और अंजलि को उस सामर्थ से परिपूर्ण करना कि आपके वचन की उन बातों को अमरीसा के जीवन की ओर बढ़ाएं, जिन बातों के द्वारा अमरीसा उन उत्तम गुणों में आगे बढ़ती है
जो गुण आपकी ओर से उसके जीवन में दिए गए हैं। अपने अनुग्रह में पिता इस बेटी के जीवन की सुधि रखना, अगुवाई करना, पवित्र आत्मा की छाप में उसकी पहचान में इसके जीवन को अपनी महिमा के लिए तैयार करना। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह में इस बेटी की सदैव सुधि रखना। सब बातों में आपको आदर देते हैं, मसीह के लहू में इसके जीवन को ढांपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज अमरीसा का बैप्टिज्म भी हुआ और उसी प्रेम में और विश्वास में अमरीसा के माँ बाप ने, परिवार ने रिफ्रेशमेंट को कलीसिया के साथ में बांटा है, जिसे हम चर्च सर्विस के बाद में ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। प्रेजेंट वर्शिप जी, आइए अब हम लोग प्रेजेंट वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हमारे चर्च की क्वायर जो है वो हमें लीड करेंगी। वंदना करते हैं हम।
गीत और गा के परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। आराधना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं क्वायर के लिए, अच्छी प्रेजेंट वर्शिप में हमें अगुवाई देने के लिए। परमेश्वर बहुत ऐसे प्रत्येक के जीवन को अपनी सेवा अपनी महिमा में इस्तेमाल करता रहे। इससे पहले कि हम लोग वचन की ओर जाएं, एक संडे स्कूल जा चुके हैं, संडे स्कूल के लिए एक अनाउंसमेंट आप पहुंचवा दीजिएगा कि बस आ चुकी है। तो इसलिए मेहरबानी से बच्चे जो हैं वो चर्च सर्विस के बाद में, बेटा टीचर हैं कोई है आप भेजिएगा, बस आ चुकी है, सर्विस वर्क खत्म हो जाए उसके बाद में है ना आप लोग जा सकते हैं फिर, ठीक है, बस इज ऑलरेडी देयर। ओके, थैंक यू। आइए आज के मनन के लिए हम लोग वचन को निकालें जो कि लिया गया है यहोशू की पुस्तक से, यहोशू एक अध्याय,
सात से नौ पद। यहोशू एक अध्याय सात से नौ पद पुराने नियम में 262 नंबर पेज पर है। यहां परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, सात से नौ पद। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पद्मनाव कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। और अब हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और ब्रदर अब्राहम जस्टिस हमारे बीच में परमेश्वर के वचन की सेवा को पूरा करेंगे। सबको जय मसीह की। हम इतना अच्छा सुंदर गीत गाए हैं, जब हम प्रभु को जय मसीह की बोले तो जोर से बोले ताकि हम खुशी से प्रभु का वचन और हमारे मिनिस्ट्री के बारे में आप सुन सकते हैं। सबको जय मसीह की। तो मसीह बनना के बारे में शायद आप लोग जानते हैं, हम इससे पहले भी इधर आए थे और बुजुर्ग लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। भाई साहब से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि जब भी हम मसीह वंदना को नाम याद करते हैं तो बचपन याद आता है। सचमुच मसीह वंदना ने बहुत लोगों का दिलों को प्रभु के पास लाने में बहुत बड़ा कार्य किया है, और सिर्फ पास ही नहीं लाया है, उनको स्थिर भी किया है, दृढ़ भी किया है और प्रभु में चलाते भी आया है, और बहुत सारे आत्मा प्रभु में जीत भी लिया है। रेडियो के द्वारा ये कार्यक्रम पहले होता था और अभी भी रेडियो में इस कार्यक्रम को चलता है, और मगर क्योंकि शहर में रेडियो नहीं सुन सकते हैं, और मगर अभी भी गांव है जहां पहाड़ी इलाका है, गांव है जहां पे इंटरनेट का सुविधा नहीं है, वहां पे अभी भी रेडियो के द्वारा हम सेवकाएँ कर रहे हैं, और बहुत सारे सेवकाएँ हम अभी भी कर रहे हैं। और उसकी जानकारी आप एक नंबर को नोट कीजिए, आप इस नंबर को नोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ है जो मैं आपको बता दूंगा। आप नोट करके, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे अगर मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको उस मसीह वंदना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा। नंबर है 9319473370, 9319473370। इस नंबर को आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, ऐड कीजिए और मैसेज कीजिए, तो आप हमारा कार्यक्रम भी आप सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल सकता है। हमारा मंडे से लेकर शनिवार तक जो रेडियो में प्रोग्राम्स आते हैं वो सारा आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में उसको आप सुन सकते हैं। इसके अलावा हम डेली डिवोशन भी भेजते हैं और बहुत ही अच्छा छोटा सा होता है, वो पढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक मिनट ही लगता है, और ज़रूर वो डिवोशन जो भी आप पढ़ेंगे तो वो आपको ज़रूर लाभदायक होगा और आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण होगा, ये पूरा मुझे उम्मीद है। और हम लाइव जूम डिवोशन भी मंडे से लेकर फ्राइडे करते हैं, उसका भी लिंक है, डिटेल से उसमें आपको मिलेगा, और वो लिंक पूरा साल वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। और इसके अलावा हमारा मैगज़ीन पहले हम प्रिंट करते थे, कोविड के बाद हम उसको सॉफ्ट कॉपी में हम ईमेल के द्वारा, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के द्वारा हम लगातार भेज रहे हैं। बच्चों के लिए भी हमने मैगज़ीन निकाली है,
उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। उसमें कहानी होती है, कुछ एक्टिविटी भी होता है। मैगजीन भी बहुत ही सुंदर है, अगर आप ले पढ़ने से आपको बहुत लाभ होगा, इसमें कोई शक हमें नहीं है, क्योंकि ये मैगजीन अब से नहीं, काफ़ी साल से हम इसको प्रसारित करते आए हैं और बहुतों को लाभ हुआ है। मैं क्यों ये सारी बातें कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ने के लिए, ये सारा चीज़ आप घर बैठे बैठे, आप चाहे बेड पे बैठे हो या आप बाथरूम में हो, फ़ोन जब भी आप पकड़ोगे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन टॉयलेट में भी चले जाता है, जाता है नहीं जाता है हा? तो जहाँ भी जाए आप इसका लाभ उठाइए, क्योंकि हम वो वचन के द्वारा हम देखेंगे। और बहुत सारे कार्यक्रम है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है मसीह वंदना, उसमें गाने भी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, वचन भी है, उर्दू का प्रोग्राम भी है, तो आप इन सारे चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। और आपसे निवेदन है, मीटिंग के बाद आप बाहर स्टॉल लगा है तो हमारे पास ज़्यादा किताब नहीं है, बहुत कम टाइटल है और हम कम ही लेके आए हैं, और ये टाइटल आपको बाहर नहीं मिलेगा, और बहुत ही अच्छा टाइटल्स है, इंग्लिश में है, व्हाई डू क्रिश्चियन सफ़र। हम जब परेशानी में रहते हैं तभी प्रभु को याद करते हैं, और याद करते हैं और तुरंत भी भूल जाते हैं जब हमारा काम निकल जाता है। मेरे बात से सहमत हैं आप? थोड़ा मुझे कम सुनाई देता हाय या नहीं, आप जोर से बोलिए, है ना? मगर उस परेशानी को लाने का उद्देश्य क्या है वो इस किताब से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और जिसके जीवन में नहीं आया उसके लिए भी इस किताब में लिखा है कि वो प्रभु क्यों लाता है, उस समय हमें क्या करना है। हम दो चीज़ करते हैं, प्रभु के पास तो आते हैं, प्रभु से दूर तो हो जाते हैं। मेरे बात से सहमत है आप? आने वाले कम होते हैं, जाने वाले ज़्यादा होते हैं, इस बात से सहमत है आप? थोड़ा ज़ोर से बोलिए, मैं कम सुनाई देता हूँ, है ना? तो इसलिए ऐसा चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दूसरे के लिए। दूसरे कौन है? वो हमारे परिवार या रिश्तेदारी है या हमारे चर्च के मेंबर है, जिसको आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और एक किताब है, अपने उद्धार को बहुमूल्य जाने। हम सब ने उद्धार पाया है मगर उसको हमने कीमत नहीं दिया है, उसको बहुमूल्य नहीं जाना है। मेरे बात से सहमत है आप? हाँ, तो क्यों जानना है, क्या है वो उद्धार? हम जानते हैं मगर इसमें जो ऑथर ने लिखा है, लेखक ने लिखा है, बहुत सुंदर रीति से लिखा है ताकि हम उसको और अच्छी रीति से समझने की कोशिश कर सकते हैं। और हर दिन आपको प्रोत्साहन करने के लिए हमारे पास एक किताब है, और 365 डेज का है, 365 दिन आप हर दिन, बहुत अच्छा इसमें एक छोटा छोटा लेख है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और सारे किताब, और एक किताब का कीमत है 300 रुपये, मगर हम इसमें 35% डिस्काउंट के साथ आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि नया साल आ रहा है इसलिए डिस्काउंट दे रहे हैं कि आज का डेट में डिस्काउंट बहुत कम मिल रहा है। मेरे बात से सहमत है? डिस्काउंट मिले तो रेट बढ़ा के दे रहे हैं, है ना? 50% या 70% भी देंगे मगर रेट बढ़ा के, आपको समझ में आता कि वही चीज़ आप पहले खरीदते तो क्या रेट में मिलता, मगर हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ये पहले से 300 था, अभी भी 300 है, पिछले साल भी 300 था, मगर हम 35 इसलिए दे रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इसको ले, हर एक परिवार, और इसको पढ़े और आशीष पाए। तो और बाकी का जो भी आप और जानकारी चाहते हैं मसीह वंदना के बारे में, तो आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमारे प्रोजेक्ट्स को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और जिसके द्वारा हम हर दिन मिनिमम 1,00,000 लोगों को हम पहुंचते हैं अपने वचन के द्वारा, है ना? और बहुत और इससे भी ज़्यादा है, मगर फिर जो हमारा डाटा बेस है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इतने लोगों को पहुँचते हैं हर दिन, और ये बहुत मुश्किल का काम है, फिर भी हम हर दिन इतने लोगों को हम प्रभु का वचन और संदेश लेके जाते हैं। और इसके लिए आपका सहयोग, आप लोगों का प्रार्थना ही बहुत ज़रूरी है। अब हम वचन की ओर चलते हैं। अभी हमने वचन पढ़ा यहोशुआ की किताब पहला अध्याय, कौन सा वचन पढ़ा हमने? सचमुच सब लोग बहुत ही जागरूक है और याददाश्त शायद बहुत अच्छी है। सो 7 से लेके 9, इसमें एक शब्द और एक बात बहुत कॉमन है, क्या है आप जल्दी से बता सकते हो, कोई भी अगर ध्यान से सुना है? हाँ,
क्या है? अब एक चीज बहुत ही कॉमन है, क्या है? परमेश्वर का वचन, और हियाव बांधकर दृढ़ हो जाए। क्यों इस शब्द को प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है और यहोशुआ को इस बात को बता रहा है? ये बात हम आगे देखने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इधर आने से पहले प्रभु के घर कितने लोग इस प्रार्थना करके आए कि प्रभु आज मुझसे बातें कर, हाथ उठाइए। मैं इस प्रश्न को क्यों पूछा, मैं नहीं पूछना चाह रहा था, और जो ने प्रार्थना करके आए जरूर प्रभु आपसे बात भी करेगा, आशीष भी दी करेगा, और जो नहीं करके आए उनसे भी प्रभु हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप सभी बातें करें। अभी हमने गाना गाया, कौन सा गाना था आखिरी में? आराधना कर। उसके बाद एक जो वर्स था, क्या था वो? प्रार्थना और आराधना कर, ये बहुत भला है। हम बहुत जोश के साथ गाए मगर हम वो करना ही भूल गए। गाना जब भी गाते हैं, अगर उस प्रकार से आपका जीवन है तो गाना गाने में बहुत मतलब है और आपके लिए आशीष का कारण है। तो जब भी गाते हैं उस बोल को और उस शब्द को अब याद रखें। और एक हमने इससे पहले भी एक गाना गाया था जो वंदना करते हैं, है ना, उसमें भी एक शब्द था, एक लाइन था कि हम हृदय को आप तेरे सामने लेके आते हैं। आप हम इसमें वो नहीं लिखा है कि हम अपने आप को उसके सामने ला, हृदय को। तो अब इस हृदय को हम जांचें कि हमारा कैसा हृदय हम प्रभु के आगे लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि प्रभु हमारे मन को, हमारे हृदय को ही देखता है और कुछ नहीं देखता है। मेरे बात से सहमत है? और इसी के द्वारा ही हमारा पूरा चाल चलन, दिमाग, हाथ पैर सब चलते हैं, है ना? मेरे बात से सहमत है नहीं है? हाँ या नहीं, जोर से बोले। तो इस बात को हम इस वचन के द्वारा, इसी हृदय को, हम जब कमजोर होते हैं, डर जाते हैं, तो क्या हमारा हृदय डर जाता है ना, हार्ट अटैक आता है, बीपी बढ़ता है, किसकी वजह से? डर, परेशानी, टेंशन। तो इसीलिए प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहोशुआ को भी बोला। यहोशुआ के बारे में कितने लोग जानते हैं? जो बाइबल में यहोशुआ है इसके बारे में, इसके कहानी कितने लोग जानते हैं, हाथ उठा सकते हैं? अब घर जाके इस पहला अध्याय को पढ़ना। क्यों मैं बात को कह रहा हूँ, अब बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रहा है, वो है इसराइल का युद्ध। कितने लोग इसके बारे में सुन रहे हैं या देखते रहते हैं? सब लोग, है ना? तो अगर आपको एक जस्ट छोटा सा एक एक, एक हकीकत या फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी जल्दी से पढ़िए यहोशुआ की किताब पहले अध्याय 4th verse, 4th वचन, कोई भी जोर से पढ़िए। और एक बार पढ़ना भाई। ये है मैप इसराइल का। आप अगर यही चीज जाके आप गूगल में सर्च करेंगे, ये है इसराइल का नक्शा। और असलियत में जो आप इसराइल का नक्शा को आप कंपेयर करेंगे तो इसका सिर्फ एक 10% ही इसराइल उस नक्शा, इसराइल का नक्शा है। प्रभु ने वायदा किया कि इतना बड़ा एरिया इसराइल का होगा, मगर हकीकत में इसराइल जो बसा है उसका अगर आप मैप देखेंगे उसका सिर्फ 10% है। तो बाकी का परसेंट औरों ने कब्जा करके आज तक जी रहे। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि ये इसराइल का लापरवाह है कि उसके वजह से वो, जितना हमने पढ़ा है उतना इसराइल राज करना था, बसना था, मगर उसका 10% है उसका नक्शा। आप ये जाके गूगल में आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना ये जो नदी है और जो विल्डरनेस है, लेबनान है, और उतना होना चाहिए और कितना है। तो हम आगे चल के इस यही बात आप उत्पत्ति में भी आप देख सकते हैं जो इसराइल का नक्शा है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि प्रभु भी जानता है कि यहोशुआ को एक हिम्मत चाहिए, इसलिए प्रभु 7th वचन में कह रहा है ना कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, बहुत दृढ़ हो जा। दृढ़ भी नहीं लिखा, बहुत लिखा है, वैसे ही लिखा है। कोई भी पढ़ सकते हैं 7th वचन,
बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि वो भी जानता है कि वो कमजोर है, प्रभु जानता है आप और हम और मैं भी कमजोर है। इसलिए प्रभु आज हमें कह रहा है कि क्योंकि दो चीज है, आज का दिन में हम युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं, फिर हमें क्यों दृढ़ होना है, क्योंकि जो रोज की जिंदगी है उसे जीने के लिए हमें प्रभु का बुद्धि ज्ञान चाहिए। क्योंकि चाहे ऑफिस जाओ, स्कूल में हो, घर के काम काज हो, कुछ भी हो, हमें बुद्धि ज्ञान समझ की बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति को चाहिए। क्यों? क्योंकि महंगाई भी इतनी बड़ी है, तो कभी कभी माता और पत्नी को भी सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाना क्या नहीं बनाना बजट के हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ बड़ा है। तो और ऑफिस में भी हो, स्कूल में हो, जो नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह की परेशानी आती है। तो इसलिए प्रभु कहता है कि आप यौ बांध के दृढ़ हो जाओ और डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम यह देखते हैं कि आगे पढ़ना वही सात वचन, इसका मतलब जो भी लिखा है उसे हमें अपने जीवन में लागू करना। मेरे बात से सहमत है? वही लिखा है। तो कितने लोग हर दिन बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। काफी लोग पढ़ते हैं, काफी लोग नहीं पढ़ते। जो नहीं पढ़ते तो आपको कैसा पता चलेगा कि दाएं मुड़े या बाएं ना मुड़े, कब हम सीधे चल रहे हैं, कैसे पता चले? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है कि आपको वो सब कुछ करना है जो मूसा ने बताया है। इसका मतलब जो भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया है वो सारा इस बाइबल के अंदर ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको अनुभव नहीं करेंगे, इसको नहीं समझेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है आपको दाएं भी ना मुड़ना है, बाएं भी ना मुड़ना है। मगर आज के समय में हम दाएं भी मुड़ रहे हैं, बाएं भी मुड़ रहे हैं, वो भी नहीं पता चल रहा, मगर हम मुड़ तो जा रहे हैं। एक है चीज़ जो हमें इससे बहुत दूर भटकाता है और ले चलता है, वो क्या है? वो चीज़ जो हमारे ज़िंदगी में आ चुका है, हर एक के ज़िंदगी में, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। हाँ, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, मेरे बात से सहमत है? जितना हम बाइबल को पकड़े हैं, अब याद कर लेना, कितने बार आपने पिछले हफ्ते इस बाइबल को आपने पकड़ा है, छुआ है या पढ़ा है, उससे ज़्यादा आपने फ़ोन को शायद पकड़ा होगा, इस्तेमाल किया होगा, पढ़ा होगा, उसमें समय बिता होगा। मेरे बात से सहमत है? हाँ या नहीं? तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हमने गाना भी गाया, आप लोगों ने ही गाया, मैंने नहीं चुना वो गाना। हृदय को जब आप प्रभु के सामने लाते हैं तो प्रभु एक ही सवाल उस हृदय को देके एक ही कहेगा कि फोन ही दिख रहा है आपके हृदय में, वचन और बाइबल नहीं दिख रहा। जब माता पिता बाइबल को नहीं पकड़ेंगे तो बच्चे से हम उम्मीद कर ही नहीं पाएंगे। माता पिता का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बात वचन में लिखा है। प्रभु किसी बच्चे से बात नहीं कहा है, यहोशुआ से कहा जो समझदार और बुजुर्ग और बड़ा है उम्र में। क्या कहा है? कि दाएं भी नहीं मुड़ना, बाएं भी नहीं। हम तो दाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं, वही नहीं पता, हम सीधे तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमें फोन ने हमें बहुत दूर कर दिया है। तो इसी बात को हम देखते हुए आगे चलते हैं, आठवां पद, कोई भी पढ़िए। तो हमारा बाइबल में सब लोग अपना अपना पेन लेके इस बाइबल में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, ठीक है? करेक्शन ये करना होगा कि इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, आप हिंदी में क्या लिखा है? पहला पद पढ़ना। हाँ, वह एक मिनट, व्यवस्था की इस पुस्तक के जगह
पुस्तक को हटा के हमें स्मार्टफोन लिखना होगा, क्योंकि हम फोन किताब को तो हम पकड़ लेंगे नहीं, ना छूते हैं, है ना। दिस फोन ऑफ लॉ ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बात है कि हम इस वचन को, इस किताब को नहीं पढ़ते हैं, नहीं छूते हैं। अगर माता पिता को मैं पूछूंगा नहीं, आप अपने आप को सवाल दीजिए कि आपने अपने बच्चे को हर दिन बाइबल पढ़ते हुए कितने बार देखे हैं पिछले हफ्ते। इसका जवाब मैं नहीं मांगूंगा, आप अपने आप से पूछिए। आपने कितने बार आपने टोका कि बेटा आपने बाइबल पढ़ा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कॉलेज भी क्यों ना जा रहा हो, या उसकी शादी भी क्यों ना हुआ हो, अगर माता पिता उनके साथ रहते हैं तो डरते हैं बोलने के लिए। बात से सहमत है? डरते हैं, क्योंकि हम ज्यादा बोलेंगे प्रभु या ये तो शायद वो क्या करेगा। इसलिए प्रभु कह रहा है हिवा बांध, दृढ़ हो जा। किसके लिए? युद्ध करने के लिए नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ वचन पढ़ना और उसके अनुसार चलने के लिए यहोशुआ को कह रहा है प्रभु की दृढ़ हो जा। क्यों? क्योंकि जब हम इस दुनिया में जाते हैं, लोग हमारे द्वारा को यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। जब तक ये वचन हमारे जीवन में नहीं जाएगा, तब तक उसको हम अपने जीवन से नहीं दिखा सकते। क्या लिखा है? आठवां वचन बहुत सुंदर रीति से लिखा है, चित से ना जाना, मनन दिन रात करना, और जो भी लिखा है उसके अनुसार आपको करना है। ये सारे काम हम नहीं करते हैं, मगर जो फोन कहता है वो करते हैं। अगर फोन कहता है कि आज एक नया फैशन का एक कपड़े आ गए, तो हम उसको तुरंत, हम बहुत सारे ऐप हो गए, आपको जाना की भी जरूरत नहीं है, वो ऑफर भी दे देता है कि इतना ऑफर है मम्मी, इतना ऑफर है। मम्मी को भी कभी पूछते नहीं पूछते, मगर वो ऑर्डर हो जाता है। घर में आते कि मम्मी डांटते रहेगी, फिर भी वो पे भी कर देगी। फिर बात से सहमत है आप? कितने बार आपने सचमुच अपने बेटे को कहा कि आप जैसा कपड़े बदलते हो, खरीदते हो, इसी रीति से आपने कितने बार इस बाइबल के पन्ने को आपने खोला? कितने बार आप जब अपने बच्चे को इस ऐसे किताब से कुछ ना कुछ, आपने जब सवेरे कुछ मनन किया है, आपने अपने बेटे को और बेटी को बताया है। इसलिए हम ये किताब लेके आए हैं। इतना डिस्काउंट देने का एक एक मतलब है, है ना। हमें ये लॉस में है, अगर हम डिस्काउंट में दे रहे हैं लॉस में, क्यों? ताकि आपका प्रॉफिट हो, आपका फ्यूचर का प्रॉफिट हो। आज चर्च में ये कितना साल पुराना चर्च है, कितने साल पुराना है अंदाजा से बोलिए, परफेक्ट नहीं चाहिए। हाँ, 26 साल। तो 26 साल से यहाँ प्रभु का कार्य हो रहा है, सुनते आए। तो आपने 26 साल में ये चर्च बढ़ना चाहिए था, यहाँ पे जगह कम पड़ना चाहिए था, आज खाली क्यों है? क्योंकि इस मूसा के किताब में क्या है, हम ना पढ़े हैं, ना हमने अपने बच्चों को सिखाया, ना हमने रिश्तेदारों को सिखाया, इसलिए ये स्थिति है। इसका जिम्मेदार आप हो। क्यों हो, कैसे हो, हम आगे देखते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है। 9 वचन पढ़ते हैं बस। हैव आई नॉट कमांडेड, ये कमांडेड जो कमांड, ये जो शब्द है, आज्ञा नहीं दी है हिंदी में है, बस जो इंग्लिश में कमांड बोल के आए। कमांड शब्द कहाँ यूज होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? हाँ, किधर? फौज में। वेरी राइट। कमांड का मतलब क्या है? अगर मेजर हो या कर्नल हो, अगर कमांड दिया तो उसके नीचे वाले क्या करते हैं? नहीं करते हैं? नहीं करे तो क्या होता? क्या प्रभु आपको पनिशमेंट दे रहा है? दे रहा है। अगर आर्मी में कमांड दिया तो चाहे उसकी जान भी क्यों ना जाए, चाहे वो घर में, अपने घर में भी अगर है, तो अगर उसको चिट्ठी आ गई कि आना है, तो छोड़ के आएगा। आएगा नहीं आएगा? चाहे उसकी शादी तभी क्यों ना हो, तो भी वो छोड़ के आएगा। आएगा नहीं आएगा? जब एक इंसान का कमांड को आप इतनी अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का पालन हम सालों साल होता है, हम पालन नहीं करते। मेरे बात से सहमत है? इसलिए प्रभु कह रहा है, हैव आई नॉट कमांडेड, किसे? यहोशुआ से कह रहा, आज आपसे प्रभु कह रहा है। क्या कह रहा है? फिर से पढ़ो और 9 अध्याय। अच्छा,
यहाँ बांध कर दृढ़ हो जाओ, वही प्रभु कमांड कर रहा है। आगे पढ़िए, क्यों प्रभु ये बात को कह रहा है बार बार, तीनों वचन में हम देखेंगे कि मेरी बातों को मान, पढ़, सीख, चल। क्यों? अगर आप 7 में देखेंगे, 8 में देखेंगे और 9 में देखेंगे, लास्ट में एक पद लिखा है कि आप क्या लिखा है, सक्सेस एंड प्रॉस्परस, आप क्या सक्सेस को पाएंगे। पढ़िए 7 का आखिरी पद, आखिरी वचन या आखिरी पद जो भी है, पाठ 7 का आखिरी लाइन, तेरा काम सफल होगा। 8 में भी आखिरी पढ़िए, तेरे सब काम सफल होंगे और दो आगे। प्रभु हर एक इंसान को सफलता देना चाहता है, हम उसी सफलता के लिए हम दुनिया में अपनी ज्ञान के द्वारा पाना चाहते हैं। प्रभु बोल रहा हो ज्ञान, दुनिया की ज्ञान के द्वारा आप करने की जरूरत नहीं है, इतना करो आपको सफलता आपके घर आपके पीछे चलेगी। और क्या लिखा है, बहुत ही सुंदर बात है। बहुत बार हम समझते हैं कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे जो भी है, मगर प्रभु आपके साथ चल रहा है नहीं चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रभु नहीं चल रहा है तो ये बहुत ही दुख की बात है, और प्रभु कब आपके साथ चलेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। 9 का आखिरी पद में, लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू वेर एवर यू गो, मतलब प्रभु आपके साथ रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चले या ना चले मगर प्रभु आपके साथ, इसका यही एक राज है। जीवन में सफलता पाना, जीवन में आगे बढ़ना या कुछ भी करना है, यही है सारा इसका राज। मसीह वंदना यही काम पिछले 50 साल से करते आए, सुसमाचार और वचन को आपके बीच में लेके आना। अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक थे, पादरी मोतीलाल, रेवरेंड जॉर्ज लुकस, रॉबर्ट रोड्रिग्स, ऐसा बहुत सारे हम यही काम करते हैं, आज भी यही काम हम कर रहे हैं आपके बीच में। वचन का विस्तार को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप एक दिन एक सवाल को आपको जवाब देना होगा। मैं और एक 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। एक पद पढ़िए, मत्ती 22:12। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं कि मत्ती 22:12 जब आपके जीवन में आएगा तो आप क्या करोगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी सवाल है। ये आप घर जाके इस पे मनन करना और अपने आप को इसका जवाब देना। और सिस्टर आप भी पढ़िए, जोर से पढ़िए। जब हम प्रभु के सामने एक दिन खड़े होंगे, प्रभु आपसे यही बोलेगा, मैं तो आपको कभी मसीह के कपड़े को पहन के या वचन को इस सार चलते हुए मैं नहीं देखा, तो आप गलत जगह आ गए। ये सवाल जब प्रभु आप सिर्फ मन में एक इमेजिन करो, आप उस मन में आंख एक मिनट एक सेकंड के लिए बंद करके, अगर मैं प्रभु मेरे आगे खड़े हैं या प्रभु आज मेरे हृदय को देख रहा है और यही सवाल पूछ रहा है, पिछले हफ्ते मैंने ना बाइबल पढ़ा, ना मैंने आप प्रभु के साथ समय दिया, ना अपने बच्चों को सिखाया, तो प्रभु एक ही प्रभु ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना कुछ कमाया है, कितना कुछ आपने बच्चों को ये करा है, कुछ नहीं पूछेगा। एक ही सवाल पूछेगा, आपने क्या सिखाया है और क्या इसके अनुसार चलें। क्यों? क्योंकि और एक वचन पढ़ के हम इसको ख़त्म करते हैं। इब्रानी 10:25, कोई भी जोर से पढ़िए, इब्रानी 10:25। तो ये इज़राइल का जो युद्ध है वही हमें एक चेतावनी देती है, एक सूचना देती है कि प्रभु का आने का है ना, उस वही लिखा है।
कि उसका आने का दिन निकट है, एक दूसरे को समझाते रहो। मसीह बनना ही काम करते आया है कि वचन के द्वारा लोगों को समझाते हुए कि प्रभु को हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है ना। जो गलती इसराइल ने की है, करते आए, उसके वजह से उसका जितना होना चाहिए, उसका जो कंट्री का साइज, उसका देश का जो मैप होना चाहिए, उसका 10 ही भाग है, क्योंकि उसका गलती है ना। वो क्या है हम कभी और देखते हैं, हम भी वैसा गलती ना करें। क्योंकि जिस दिन हम प्रभु के आगे खड़े होंगे, प्रभु कह रहा है कि आप कौन है, आप क्यों आए इधर, आपका ये नहीं है रास्ता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मसीह वंदना के लिए प्रार्थना करते रहिए, और मीटिंग के बाद ज़रूर स्टॉल पर विजिट करके ये और एक किताब लीजिए। सिर्फ लेना ही नहीं, पढ़िए, पढ़ के बच्चों को भी समझाइए, क्योंकि एक दिन प्रभु इसी के बारे में सवाल पूछेगा। सबको जय मसीह की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर जी का, जो हमें समय दिया, पास्टर कमेटी, और हम बिशप मंडल जी का भी हम बहुत आभारी हैं कि उनका भी हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन और सहयोग देते हैं जब भी हम उनके पास जाते हैं। और आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सबको जय मसीह की। धन्यवाद ब्रदर अब्राहम, परमेश्वर के वचन में हमें अगुवाई देने के लिए, और एक बार फिर से हमारे ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाने के लिए। मैं मैसेज नहीं दूंगा, लेकिन इसी में ही कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहूँगा, ताकि ये मैसेज जो है उस समय की सीमा को देखते हुए मैं अनुभव कर पा रहा था कि बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई, लेकिन हम उनमें बने रह सकते हैं। हम सबको मालूम है परमेश्वर ने आज्ञाएँ दी हैं पुराने नियम में, कितनी आज्ञाएँ, 10, लेकिन एक महाआज्ञा है। महाआज्ञा क्या है जी? 10 आज्ञाएं तो हैं, लेकिन एक महाआज्ञा है जिसे आप पाते हैं, लिख लीजिए, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन लिख लीजिए आप, इस पर जरूर मनन करना। और वो है व्यवस्था विवरण, उसका 6:4-9 व्यवस्था विवरण 6:4-9 और जैसा भी भाई ने बताया भी और परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हों, और वो चाहता है हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, और हमें जीवन के हर क्षेत्र में बहुतायत से आशीष दे। लेकिन ये कब है? जब हम परमेश्वर के वचन को माने। लेकिन इस बात पर कभी गौर किया कि जब नहीं मानते तो उसका प्रतिफल क्या है? जब हम वचन को नहीं मानते हैं, उसके लिए आप घर पर पढ़िएगा व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय और उसके 15-19 केवल मीठी मीठी नहीं, लेकिन थोड़ी सी उन बातों को भी जानना जरूरी है जो थोड़ी सी है जीभ पर कुछ अलग टेस्ट लेकर आ जाती हैं, है ना। तो इसलिए इन वचनों के साथ में हम परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं भाई अब्राहम का अच्छे वचन में हमें अगुवाई देने के लिए। और आइए, जब परमेश्वर चाहता है कि वो हम उसके साथ चलें जिस मार्ग में वो हमें बढ़ाना चाहता है, तो आइए उसी वचन की अगुवाई में हम लोग एक गीत को गाएंगे, जो कि गीत की किताब में 264 है, 264। जब मसीह चलता साथ और थामता भी हाथ। और इस गीत को गाते हुए हम अपनी धन्यवाद की भेंट को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। गीत की किताब में 264, जब मसीह चलता साथ, और हम अपनी धन्यवाद की भेंट को इस गीत के दौरान में परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करें। जब मसीह चलता साथ और थामता भी हाथ, राह पर आती अजीब तसल्ली, जब हम मानते फरमान
मिलता हमको आराम, मिलता सबको जो मानते मसीह। ला तू ईमान और मान भी अहकाम, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान। गर तूफान हो नजदीक और आसमान हो तारे, उसे चेहरे से पाते रोशनी। ना डर है ना दुख, पचैन है और सुख है सबको जो मानते मसीह। ला तू ईमान और मान भी यह काम, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान। अगर बोझ भारी हो और अंजावे हमको, अजर देगा यीशु जलाली। बरकत बेशुमार दुनिया में और उस पार, मिलती सबको जो मानते मसीह। ला तू ईमान और मान भी यह काम, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान। उसका प्यार बेपाया कौन करेगा बयां, मुनाजी ने अपनी जान दी। उसकी उल्फत जी जाहिर हम पर गरी, जाहिर सब पर जो मानते मसीह। ला तू ईमान और मान भी यह काम, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान। अरिफाकत जी उसके कदम करे, तसली दिल पाता सही। मुबारक हराम दुनिया में और आसमान, होंगे सबको जो मानते मसीह। ला तू ईमान और मान भी यह काम, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान। Hallelujah.
चूंकि आज इस महीने का आखिरी संडे भी है, तो धन्यवादिता की भी प्रार्थना रहेगी साथ में। तो जो लोग आगे आना चाहते हैं ऑल्टर की तरफ, वे आगे आ सकते हैं। धन्यवादी हृदय में अपने आप को बनाए रखते हुए कि परमेश्वर है जो हमारे जीवन की सुधि रखता है, अगुवाई करता है, हमें संभालता है, हमारे जीवन की उलझनों से, इसके बंधनों से हमारे जीवन को स्वतंत्र करता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वसामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, धन्यवादिता में आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाए हैं पिता। इस बात को जानते हैं कि यदि आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया हमारे जीवन में नहीं होती, तो जीवन में कोई भी मोड़, कोई भी ठोकर, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन को आपकी धन्य आशीषों में आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास जरूर करती। लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे जीवन को, हमारे जीवन की परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखा, हमारे जीवन को उन नकारात्मक बातों की ओर फिरने नहीं दिया जो सिर्फ हमारे लिए अनंत मृत्यु को लेकर आती। लेकिन आपने अपने अनुग्रह में हमारे जीवन को उस धन्य आशीष में आगे बढ़ाया कि हम आपके अनुग्रह को पहचाने, आपके प्रेम में अपने जीवन को अनुभव करें और यीशु पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को अनंत जीवन में सहभागी होने का अवसर पास होते हुए देख सकें। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अपने अनुग्रह में हमारे जीवन को उस सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, क्योंकि सामर्थ्य के देने वाले आप ही हैं, सर्व सामर्थ्य आप हैं पिता, कि हम आपकी धन्य इच्छा में अपने जीवन को अनुभव कर सकें। आपके विश्वासी जन जो आप जो आज आपके भवन में एकत्रित हैं, किसी और बात के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र नाम को धन्य कहने के लिए, आपको धन्यवाद कहने के लिए पिता, आपके अनुग्रह में अपने जीवन को अनुभव करते अपने सिरों को झुकाए हैं। इस बात को जानते हुए पिता कि आने वाले समय में भी हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति और आवश्यकता क्यों ना हो, हम सिर्फ आप पर निर्भर हैं। हाँ पिता, हम तब सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं जब हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम तब सब बातों में सामर्थ्य होते हैं जब हमारा संपूर्ण भरोसा सिर्फ आप पर होता है। पिता, आप ऐसे ही हृदय को हमारे जीवन में चाहते हैं। आपका दास दाऊद, जिसके विषय में आपका वचन सिखाता है कि आपके मन को भाने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना है पिता कि आज हम सिर्फ अपनी लालसाओं को पूरा करते हुए नहीं देखें अपने जीवन को, बल्कि देखने पाएं कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर को भाने वाला जीवन है कि नहीं, और यदि नहीं तो एक बार फिर से इस दिए गए अवसर को बहुमूल्य जाने, क्योंकि ये अवसर सीमित हैं, हमारे जीवन अनुग्रह के दिनों में जिए जा रहे हैं पिता। प्रार्थना है हम सबको ऐसी सूझबूझ देना कि जिन अवसरों को हम अपने जीवन में पाते हैं उनका बहुतायत से आपकी महिमा के लिए लाभ उठाएं। प्रार्थना है पिता प्रत्येक के जीवन के लिए, हर एक के जीवन पर अपने अनुग्रह को बनाए रखना, अपनी करुणा को बनाए रखना, मसीह के लहू की छाप में हर एक के जीवन को सुरक्षित रखना, पवित्र आत्मा को पिता पर विश्व बहुतायत से उंडेलना और वो मसीह की नम्रता और दीनता देना कि जिसने अपने जीवन में आपके अनुग्रह में जिन तोड़ों को पाया है, उन तोड़ों को आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ाने पाए, उन्हें अपने जीवन के लिए किसी घमंड की बात ना जाने, बल्कि ये देखें कि जो डाली फलवंत होती है वो हमेशा झुकी हुई रहती है। हर घमंड, हर एक ऐसी बात जो आपके वचन के प्रति हमारे जीवन को अनाज्ञाकारी बनाती है, हमारे जीवन से दूर होने पाए। हर एक ऐसी लालसा पिता परमेश्वर जो आपके वचन के आधार पर हमारे जीवन में किसी और रीति से बढ़ रही है पिता, प्रार्थना है हर एक उस बात को हमारे जीवन से दूर करें कि हम इस संसार में ऐसी पहचान को रखें कि हम मसीह हैं, हमारे बोलचाल व्यवहार, हमारे कार्य इस रीति से ठहरें कि सब बातों में आपको आदर मान महिमा मिले। प्रार्थना है पिता आपके इन विश्वासी जनों के जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, आपने मांगने से पहले जाना है, अपने अनुग्रह में उन आवश्यकताओं की सुधि रखना, उनकी पूर्ति अपने भले भंडारों से करना,
अब जबकि आपके विश्वासी जन अपने घरों की ओर लौटते हैं, आपका अनुग्रह, आपकी अगुवाई, आपकी करुणा प्रत्येक के जीवन के साथ बनी रहे, ताकि अपने घरों अपने स्थानों पर पहुंचकर एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को धन्य कहने का अवसर पाएं। सब बातों में पिता आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके और प्रभु यीशु के सभी विश्वासी जनों के साथ सदैव बने रहें, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मैं वहीं से बैठिएगा।